दोस्तों आज मैं आपका ऐसे त्यौहार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हेलोवीन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह त्यौहार है भूतों का त्यौहार जो कि सदियों से चला आ रहा है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो के जरिए हम हेलोवीन के बारे में शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। लगभग 2000 साल पहले प्रसिद्ध धार्मिक त्यौहार ऑल सेंट्स डे पूरे उत्तरी यूरोप के देशों में 1 नवम्बर को मनाया जाता था। लेकिन कुछ और सूत्रों के अनुसार हेलोवीन का इतिहास प्राचीन सेल्टिक त्यौहार जिसे समहेन कहा जाता है से संबंध रखता था। इस दिन गैलिक परंपराओं को मानने वाले लोग इस त्यौहार को मानते हैं और यह फसल के मौसम का आखिरी दिन होता है और इस दिन ठंड के मौसम की शुरुआत होती है। वे इस बात पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि इस निर्धारित दिन पर मरे हुए लोगों की आत्माएं उठती है और धरती पर प्रकट होकर जीवित आत्माओं के लिए परेशानी पैदा करती है। इन बुरी आत्माओं से डर भगाने के लिए लोग डरावने कपड़े पहनते हैं और इसे ऑल सेंट्स डे भी कहा जाता है जो कि 1 नवंबर को मनाया जाता है, जो मूर्ति पूजकों के लिए ईसाइयों द्वारा बनाया गया था। ऑल सेंट्स डे से पहले ऑल हैलोस ईव की शाम होती है जो कि अब हेलोवीन ईव के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव में मूर्तियों की पूजा की जाती थी लेकिन कुछ पोप्स इसे दूसरे ईसाइयों धर्मों के साथ मिलाने की कोशिश की और नतीजा यह निकला कि ऑल सेंट्स डे और हेलोवीन डे एक ही दिन मनाया जाने लगा। यह हेलोवीन दिवस मनाने का बहुत ही साधारण तरीका है जिसमें कुछ लोग डरावने कपड़े पहनते हैं और लोगों के घर घर जाकर कुछ कैंडी उपहार में देते हैं। इस दिन बच्चे कद्दू जैसे आकार का बैग लेकर घर घर जाते हैं और वे घर मालिक से पूछते हैं कि ट्रिक या ट्रीट। इसके दौरान कुछ लोग भूत बनकर डराते हैं तो कुछ लोग कैंडीज बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन लोग अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं धारण करते हैं जो कि इस त्यौहार की संस्कृति के अनुसार होती है। इस दिन लोगों के कपड़े दानव, शैतान, भूत, पिशाच, मॉन्स्टर, मम्मी, कंकाल, वैम्पायर, वेयर वुल्फ और चुड़ैल जैसे होते हैं और लोग इस तरह के कपड़े पहनकर दूसरों को डराते हैं। इरिस लोक कथाओं के अनुसार हेलोवीन पर जैक और लैटन का निर्माण करने का रिवाज है। लोग खोखले कद्दू में आँख, नाक और मुँह की नक्काशी करते हैं, फिर इसके अंदर मोमबत्ती रखते हैं और अपना चेहरा डरावना बना लेते हैं। इसके बाद नक्काशीदार कद्दू को एकत्र कर दफना दिया जाता है। इसके अलावा हेलोवीन थीम के आकार की कैंडी, हेलोवीन केक, नोवेल्टी कैंडी के आकार जैसी खोपड़ी, कद्दू चमगादड़ और कीड़े आदि, कद्दू, कद्दू पाई, कद्दू ब्रेड, पॉपकॉर्न, भुने हुए कद्दू के बीज एवं स्वीट्स कॉर्न और आत्माओं के केक आदि, ये सारे प्रकार के व्यंजन भी हेलोवीन दिवस पर खाए जाते हैं। इसके अलावा आज के समय में हेलोवीन दिवस को लोग फन के रूप में मनाते हैं। पहले के समय में इस दिन मरे हुए लोगों की मूर्तियों की पूजा की जाती थी लेकिन आज के समय में लोग बहुत सी खेल और गतिविधियां कर इस त्यौहार को मनाते हैं।